मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी विल गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नंबर, दैट इज चैप्टर नंबर 14, यूनिट 7, नेचुरल रिसोर्सेज, कीपिंग आवर अर्थ ग्रीन एंड क्लीन ऑफ कोरोडोवा। इन दिस चैप्टर बेसिकली वी डिस्कस अबाउट आवर अर्थ ग्रीन क्लीननेस एंड हाउ टू मेक दिस अर्थ ग्रीन एज द रिक्वायरमेंट। ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस, however we are cutting down trees for our needs. As a result our earth is slowly moving always from the being a beautiful clean and green planet. earth mein jis tarike se hum dheere dheere trees ko cut karte ja rahe hain kis cheez ke liye, hamare neatness ke liye, to result kya ho raha hai ki earth jo hai slowly moving away from being a beautiful. moving away ka matlab kya hota hai कि अब ये उतना खूबसूरत नहीं लग रहा है कि जितना पहले लगता है। इट इज़ अ बीइंग अवे फ्रॉम अ ब्यूटिफुल ग्रीन एंड ग्रीन प्लैनेट। अर्थ को क्या बोला जाता है? ग्रीन प्लैनेट, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे जो हैं वो पाए जाते हैं। हेंस वी मस्ट स्ट्राइव टू लेट अवर अर्थ रिमेन ब्यूटिफुल क्लीन एंड ग्रीन। तो हमको क्या कोशिश करना चाहिए? दिस इज कॉल्ड स्ट्राइव, मतलब हमको कोशिश करते रहना चाहिए या जूझना चाहिए अपनी तरफ से कि हम अपनी अर्थ को क्या कर सकते हैं, फिर से ब्यूटीफुल क्लीन एंड ग्रीन बना सकें। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ क्या होती है एंड हाउ कैन वी कीप आवर अर्थ ब्यूटीफुल ग्रीन एंड क्लीन। अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे, यहाँ पे आपको दिख रहा हो कि एक जंगल है, कितना घना है और कितना ब्यूटीफुल वो अरेंज है। दिख रहे हैं आपको कितने अच्छी तरीके से? दिस इज़ द फॉरेस्ट एरिया। तो ये जो है हमारे अर्थ के ग्रीन होने का निशानी है, ये कह सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ, इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। अब ट्रीज़ है तो ऑब्वियस है कि कुछ इम्पोर्टेंस पॉइंट है। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या है कि ट्रीज़ गिव अस फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये आपको देखिए ना कि ट्रीज़ हमको क्या देते हैं, इट इज़ गिव अस फ्रूट एंड वेजिटेबल टू ईट। ट्रीज से हमको क्या मिलता है? ट्रीज़ गिव ऑक्सीजन टू ऑल लिविंग बींग टू ब्रीथ। तो ट्रीज़ हमको क्या देता है? ये देता है हमको ऑक्सीजन, किस चीज़ के लिए? ब्रीथ विथ, मतलब सांस लेना। ट्रीज़ क्लीन द एयर बाई टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके बदले में क्या करता है? ट्रीज़ क्लीन करते हैं हमारे एटमोसफियर को बाई टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड। आप फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर में हमने पढ़ा ही था कि किस तरह से ट्रीज़ जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है अपनी फूड्स को बनाने के लिए और ऑक्सीजन देता है ह्यूमन बीइंग को। तो ट्रीज़ हेल्प टू रिड्यूस सॉइल इरोजन बाय होल्डिंग द सॉइल। ट्रीज़ क्या करता है? रिड्यूस करता है सॉइल इरोजन। अब ये सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन वो पार्ट होता है जिसमें पेड़ की जड़ें जो होती हैं मिट्टी को पकड़ के रखती है, और ये मिट्टी जब वो पकड़ती है तो चाहे बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, तो वो अपनी मिट्टी जो है अपनी जगह से नहीं हो हटती है। तो इससे क्या होता है? मिट्टी की पकड़ भी कहीं ना कहीं बनी रहती है, वो एक जगह पे प्रॉपरली, मतलब जो लेयरिंग है वो हमारी सही रहती है। बारिश के पानी के साथ मिट्टी अपनी जगह को नहीं छोड़ती है। ट्रीज हेल्प इन कॉजिंग रेन एज दे रिलीज वाटर वेपर इन द एटमोसफियर। और ट्रीज क्या करता है? ये बारिश का पानी लाता है और अपने आप में जो वाटर वेपर्स होता है ना वो भी एटमोसफियर से अब्जॉर्ब करने का काम करता है। मतलब जो वाटर वेपर्स को है उसको क्लाउड बनने में हेल्प करता है, और जैसे क्लाउड भारी हो जाता है तो इट इज़ कन्वर्ट इन टू द रेन। तो एक प्रोसेस है जो हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। तो बेसिकली ट्रीज जो हैं वो बारिश लाने में हमारी मदद करती है और रिलीज करता है उसके पेड़ों के पत्ते में जो वाटर वेपर्स होते हैं उसको रिलीज करता है, कहाँ पे? एटमॉस्फेयर पे। तो ट्रीज़ के कुछ बेसिक जो आपने अभी देखे हैं क्या क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्रीज़ में क्या आएगा? सबसे पहले इट्स गिव फूड एंड वेजिटेबल, इट्स गिव ऑक्सीजन, इट्स क्लीन द एयर, इट हेल्प टू रिड्यूस सॉइल इरोजन, एंड फिफ्थ इट हेल्प टू कॉजिंग रेन। तो ये पांच इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको दिमाग में रखना है कि इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज हैं। तो ये पांच पॉइंट बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जिसके थ्रू हमको पता रहेगा कि
पता चल जाता है कि वाई इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट कि कीप द ट्रीज इन आवर लैंड. ओके नाउ वी मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ योर डिफॉरेस्टेशन. ओके अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़ बता दिया. अगर आप पिक्चर को ध्यान से देख रहे होंगे यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज़ कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स इट इज़ अ वेरी क्लियर कटिंग डाउन ऑफ अ ट्री. आपको दिख ही रहा होगा कि किस तरीके से पेड़ जो है वो कटे हुए हैं. जो डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों का कटना. अब आते हैं इसके पॉइंट पे. अगर हम इसके पॉइंट्स में आते हैं तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज या आवर मेन पॉइंट. डिफॉरेस्ट कटिंग डाउन ऑफ ए ट्री ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन. किसको बोलेंगे कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन ए लार्ज स्केल इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन. जिससे मीनिंग से समझ में आ रहा कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज. कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज का मतलब होता है कि पेड़ों का कटना. पेड़ों का कटना क्या कहते हैं इन ए लार्ज स्केल. लार्ज स्केल मतलब बड़े पैमाने में इज कॉल्ड द डिफॉरेस्टेशन. पेड़ों का कटना बड़े पैमाने में क्या कहलाता है डिफॉरेस्टेशन. कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. कॉजेज का मतलब क्या होता है कारण. क्या कारण है तो ट्रीज आर बीइंग कट फॉर द फॉलोइंग रीजन. कौन कौन से रीजन से कटते हैं. फर्स्ट फर्नीचर पेपर मेडिसिन एक्सट्रैक्ट. पेपर मेडिसिन ये सब कहाँ से बनते हैं ट्रीज से. अब दूसरी चीज़ है ह्यूमन पॉपुलेशन इज इंक्रीज बाई डे. पॉपुलेशन क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है. सो मोर एरिया इज रिक्वायर फॉर द शेल्टर. ऑब्वियस है कि अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो हमको लैंड की ज़्यादा ज़रूरत है. लैंड की ज़रूरत है तो हम कहाँ से मिलेगा हमको कटिंग डाउन ऑफ अ ट्री. तो हमको इससे लैंड जो है वो मिल जाएगा. तो दिस इज़ द बेसिक रीज़न ऑफ द डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कटिंग डाउन ऑफ अ ट्री. और ट्रीज को कटने के बाद क्या क्या चीज़ों में वो यूज़ हो रहा है. फर्स्ट फर्नीचर पेपर मेडिसिन एंड सेकेंड इज रिक्वायर फॉर द शेल्टर. तो डिफॉरेस्टेशन के ये मेन रीजंस हैं जो हम देखते हैं. इसके अलावा तो सो कॉस्ट रीज़न और भी हैं कि फैक्ट्रीज हैं लैंड रिक्वायरमेंट जिस काम के लिए लैंड की रिक्वायरमेंट होती है तो ऑटोमेटिक डिफॉरेस्टेशन आ ही जाता है. नाउ मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ योर इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन. दिस इज़ अ वेरी बिग रीज़न कि इफ़ेक्ट क्या होता मीन्स आफ्टर इफेक्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हेडिंग डला हुआ है दैट इज़ होम ऑफ एनिमल्स. जस्ट ए लिटिल बिट ज़ूम आउट तो यहाँ पे दिख रहा होगा दिस इज़ अ इफेक्ट ऑफ होम्स फॉर एनिमल्स. ठीक यहाँ पे दिख रहा है ये वाले पोर्शन पे. तो कहीं ना कहीं ये जो है एनिमल्स के होम्स को इफेक्ट करता है बिकॉज उनके पास होम तो है नहीं. पेड़ अगर कट जाएंगे तो वो कहाँ पे रहेंगे. तो होम्स ऑफ एनिमल्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन. तो ये एक मेन रीज़न है. अब इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन पे आते हैं. इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन में फर्स्ट इफेक्ट है देयर आर मेनी लेस और नो लेस. अगर पेड़ नहीं रहेगा तो वो हवा में वाटर वेपर कैसे बनाएगा तो फिर बारिश नहीं होगी. सेकेंड इट इज़ डिक्रीज द एयर क्वालिटी. डिक्रीज द एयर क्वालिटी का मतलब है पॉल्यूशन का बढ़ना. थर्ड इंक्रीज इन एटमोस्फेरिक टेम्परेचर. और जैसे पेड़ पौधे नहीं रहेंगे गर्मी के दिनों में टेम्परेचर जो है अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा. होम ऑफ मेनी एनिमल्स आर डिस्ट्रॉय. बहुत सारे एनिमल का जो घर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा. तो चार मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन में. फर्स्ट इट इज़ अ लेस और नो रेन. सेकेंड क्वालिटी ऑफ द एयर. थर्ड इज एटमोस्फेरिक टेम्परेचर. फोर्थ इज अ मेनी एनिमल्स आर द डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय मतलब उनका जो घर है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. चिड़िया कहाँ पे रहेंगी बंदर लोग कहाँ पे रहेंगे. तो मेनी रीजंस आर देयर. उसके बाद आता है हाउ टू सेव ट्रीज. ऑब्वियस अगर डिस्ट्रॉय करेंगे तो सेव करना भी आना चाहिए. तो फॉर द सेव ट्री वी कैन सेव ट्रीज बाई प्लांटिंग
मोर नंबर ऑफ ट्री देन वी कैन कट। तो अगर हमको हम पेड़ अगर काट रहे हैं तो हमको संभव पेड़ भी उतना ही लगाना चाहिए जिससे कि हम उसके बैलेंस को बना सकें। तो ये हाउ टू सेव आवर ट्री है। इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स हैं, द मेन पॉइंट्स आर या रिड्यूसिंग यूज ऑफ प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रीज। हमको कहाँ से यूज़ करना यूज़ करते हैं प्रोडक्ट जो हमको पेड़ से मिलता है, कहीं ना कहीं उसको हमको कम करना चाहिए, जैसे पेपर। यूजिंग बायोगैस इंस्टेड ऑफ द वुड एज अ फ्यूल इन द रूरल एरियाज। हमको बायोगैस बनाना चाहिए जिसके थ्रू जो रूरल एरिया में लकड़ी से खाना बनाते हैं ना, लकड़ी का चूल्हा, वो थोड़ा कम हो जाए। एंड थर्ड, क्रिएट द अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द ट्री। हमको लोगों को ये बताना चाहिए कि ट्रीज होने से क्या क्या फायदे हैं। तो दिस आर द फोर मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या बताया था मैंने, प्लांटिंग नंबर ऑफ ट्रीज, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, रिड्यूसिंग द यूज ऑफ प्रोडक्ट। थर्ड, यूजिंग बायोगैस। एंड फोर्थ, क्रिएटिंग द अवेयरनेस। ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं कि हाउ टू बी सेव ट्री। नो, नेक्स्ट टॉपिक इज अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन जैसे नाम से ही दिख रहा है, और अगर पिक्चर्स को ध्यान से देख रहे होंगे, प्लांटिंग अ ट्री, दिस इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। अफॉरेस्टेशन का एक डेफिनेशन देख लेते हैं। प्लांटिंग ट्री ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। ट्री लगाना एक बड़े पैमाने में, इट इज़ कॉल्ड अफॉरेस्टेशन। अब इसके आगे क्या है, ट्रीज आर वैल्यूबल टू अस, वी शुड प्लांट ट्रीज एंड टेक केयर ऑफ देम। ट्रीज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल हैं, तो हमको ट्री लगाने चाहिए और साथ ही साथ उनकी देखभाल भी करनी चाहिए। सम अदर स्टेप टेकन बाई अस टू सेव द ट्रीज आर फॉलोज। इसके अलावा कुछ और भी स्टेप्स हैं जो लिए गए हैं पेड़ बचाने के लिए। फर्स्ट है वन महोत्सव, आपने सुना ही होगा, फेस्टिवल ऑफ ट्रीज। इसको क्या बोलते हैं, वन महोत्सव मतलब फेस्टिवल ऑफ ट्रीज। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन जुलाई फॉर वन वीक। पीपल प्लांट लैक ऑफ ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री एंड पीपल प्लेज टू प्रोटेक्ट द नेचर एंड टेक केयर ऑफ इट। फेस्टिवल ऑफ ट्रीज इसमें क्या होता है, बेसिकली दिस सेलिब्रेट इन जुलाई, इसको जुलाई में मनाते हैं। और पीपल क्या करते हैं, बहुत सारा सा मतलब लाखों में, लाखों की तादाद में वो पेड़ लगाते हैं ऑल ओवर कंट्री में। और वो साथ ही साथ ये प्लेज लेते हैं, मतलब ये वचन भी देते हैं कि नेचर का वो टेक केयर करेंगे, मतलब नेचर को प्रोटेक्ट भी करेंगे, समहाउ उसको टेक केयर भी करेंगे। एंड वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे भी मनाया जाता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे क्या होता है, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन जून 5। वन महोत्सव जुलाई में और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, जून 5। तो ये दोनों डेट आपको बिल्कुल याद रखना है। पीपल डिस्कस द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ऑन दिस डे एंड टॉक अबाउट द वे टू सेव द एनवायरमेंट। तो जो इस ग्रुप एसोसिएशन के ग्रुप मेंबर्स हैं, वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं एनवायरमेंट के बारे में, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में। और वो बेसिकली क्या करते हैं, टॉक अबाउट द वेज ऑफ सेव इन्वायरमेंट, और बात ये सोचते हैं कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकें। तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ हैं टूवर्ड्स द प्लांटेशन ऑफ द ट्री। फर्स्ट इज़ द वन महोत्सव जिस दिन प्लांट किया जाता है लाखों की तादाद में, एंड सेकेंड वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे दैट इज़ हेल्ड इन जून 5, जहाँ पे लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं किस तरीके से हम पेड़ को बचा सकते हैं और सेव करना, और जो भी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके ऊपर वो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कूल के बच्चे पेड़ लगाते हैं, ऐसे स्कूल के थ्रू ग्रुप ग्रुप जाके पेड़ लगाया जाता है। तो इट इज़ ऑल अबाउट द टुडेज चैप्टर। रिलेटेड टू दिस चैप्टर द MCQs हैं, कटिंग डाउन ऑफ द ट्री ऑन ए लार्ज स्केल, थ्री ऑप्शंस आर देयर, अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन एंड वन महोत्सव। तो अगर हम गलत ना है तो कटिंग डाउन ऑफ द ट्री इज कॉल्ड
या इट इज़ अ डिफॉरेस्टेशन एंड वन महोत्सव इज सेलिब्रेट इन थ्री ऑप्शन आर देयर जून अगस्त एंड जुलाई. दिस ऑल अबाउट टू डेज.